तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज किस वीडियो में आपको राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी का एक्सपीरियंस कराने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ का पूरा फुल टूर देने वाला हूँ। ये सफारी आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, कितने में कर सकते हैं, यहाँ तक आप कैसे आ सकते हैं, टाइमिंग्स क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया। तो गाइस हम आ गए हैं राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी के एंट्री गेट के पास में। इसकी लोकेशन की बात किया तो राजगीर के सिटी से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपकी जगह पड़ेगी। आप ई रिक्शा लेके यहाँ तक आ सकते हैं, 20-30 रुपये आपके लगेंगे वहाँ से यहाँ तक आने के। और फिर आप अंदर जाके सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, पार्किंग एरिया भी आपको अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ के टाइमिंग्स की बात की जाए तो ये जो सफारी है सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है और 6 बजे तक चलती रहती है शाम के, और मंडे के दिनों में ये बंद रहता है। और पार्किंग के रेट की बात किया तो 2 व्हीलर के चार्ज होंगे 20 रुपये और 4 व्हीलर के चार्ज होंगे 50 रुपये। तो एक्चुअली जो जू सफारी होती है वो अलग होती है, उसमें आपको सारे जानवर दिखाएंगे, और जो नेचर सफारी होती है उसमें जिप लाइन हो गया, ग्लास कैब हो गया, सस्पेंशन ब्रिज हो गया, ये सब इंक्लूड होता है। तो ये फ़र्क है दोनों में, जू सफारी और नेचर सफारी में। तो जू सफारी की टिकट की बात की जाए तो होगी 250 रुपये की, और नेचर सफारी की एंट्री टिकट होगी 150 रुपये की, और साथ में अगर ग्लास कैवॉक भी अगर देखना है तो उसके 150 रुपये, यानी कुल 300 रुपये होंगे नेचर सफारी के ग्लास कैवॉक और नेचर सफारी की प्रवेश टिकट के। इसकी टिकट की बुकिंग करने की बात करें तो आप इस तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं। इसे स्कैन कर लीजिए आप, इन दोनों में से किसी एक को स्कैन कर लीजिए आप, तो आपकी टिकट बुक हो जाएगी। ये होगी वेबसाइट राजगीर ज़ू सफारी.bihar.gov.in/ticketing पर जाके आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। तो ये हमने जू सफारी की टिकट ले ली है और अब देखते हैं हम जू सफारी। इसका आपको यहाँ पे काउंटर दिख जाएगा, यहाँ से टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है नेचर सफारी ग्लास ब्रिज की टिकट फुल रहती है, तो यहाँ से आपको नहीं मिलेगी, ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगी। इसलिए ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी की जो टिकट है वो आप ऑनलाइन ही करा के रखें, इसकी जू सफारी की तो मिल जाती है। तो इधर पीछे आप देख सकते हैं कितने सुंदर पहाड़ हैं, हम उसी तरफ जाके सारे के सारे जानवर हैं देखेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको कई ऐसे सेल्फी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, हमारी टिकट वहाँ पे चेक कर ली थी इन्होंने, ऐसे इतने सुंदर सेल्फी पॉइंट्स आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेंगे। ये देखिए लॉयन बना हुआ है यहाँ पे, लॉयन के साथ लॉयन के बच्चे, और फिर इस तरफ टाइगर और टाइगर के बच्चे, कितना सुंदर तरीके से देखिए यहाँ पे सब बनाया हुआ है। तो इधर अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं आप। आगे उस तरफ लेपर्ड है, ये देखिए ये लेपर्ड है तेंदुआ, और उस तरफ पीछे हिरन है, और यहाँ पे भालू है, तो भालू के पास चलते हैं। देखिए सेल्फी पॉइंट लिखे हैं, यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं अपनी। और ये देखिए ये भालू है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया, ब्लैक बियर। और इधर हिरन देखिए कितने ज़्यादा हैं, मतलब असली नहीं नकली हिरन है, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट्स बनाया है। यहाँ सामने देखिए बुद्धा जी, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है और मेंटेन किया हुआ है। और अब हम चलते हैं एंट्रेंस प्लाज़ा की तरफ, एंट्रेंस प्लाज़ा वहाँ लिखा, मतलब इतनी अच्छी मेंटेनेंस है यहाँ पे, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी अच्छी मेंटेनेंस होगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंट्रेंस प्लाज़ा और हम इस तरफ से एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए ये सारे ऑफलाइन टिकट काउंटर हैं यहाँ पे, तो जू सफारी की टिकट लेके जा रहे हैं हम आगे। तो जू सफारी के एरिया में सबसे पहले आपको एक चिल्ड्रन पार्क देखने को मिलेगा, और यहाँ देखिए हाथी, गिलहरी और बतखें, बहुत कुछ ऐसे बनाया हुआ है पेड़ पौधों को कट करके। और पीछे देखिए कितना बढ़िया चिल्ड्रन पार्क है। और अब हम बढ़ते हैं आगे जू सफारी के एरिया में, जहाँ से हम लेंगे एक व्हीकल जिससे हम सारे का सारा जू घूमेंगे। देखिए कितनी बढ़िया एरिया बना रखी है इन्होंने, सब कुछ कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो हम आ गए हैं सफारी प्लाजा के पास में, ये इन्होंने एक वेटिंग एरिया बना रखा है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है अपनी बारी के लिए गाड़ी में बैठने के लिए। ये देखिए ये गाड़ी है जो आपको पूरा का पूरा जू दिखाएगी, और इसकी शीशे देखिए कितने बड़े शीशे हैं। तो अंदर जो मैं जानवर देखने को मिलेंगे काफ़ी बड़ी एरिया में देखने को मिलेंगे, वो होंगे लॉयन, डियर, टाइगर, लेपर्ड और डियर। तो यही जानवर हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन काफ़ी पास आ सकते हैं जानवर। और ये जो पूरा टूर है ये 1 घंटे का होने वाला है, तो 1 घंटे के अंदर आप काफ़ी पास से देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी गाड़ी आ गई, चलिए बैठते हैं गाड़ी में। गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया है, सफारी वाली सबसे बेस्ट गाड़ी आपका। जो गाड़ी है भी एयर कंडीशन है, और थोड़ी देर में बस सफारी शुरू होने वाली है, तो सारा टाइम हम इस गाड़ी के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। पूरा एक सफारी एक्सपीरियंस है, और हम इनकी एरिया में जा रहे हैं। एकदम सारा जंगल का इलाका लग रहा है, सारा का सारा है भी जंगल ही, वैसे जंगल सफारी ही कर रहे हैं।
तो सबसे पहले एरिया आ गया हर्बी वॉरस सफारी, और यहाँ पे हर्बी वॉरस जानवर जैसे कि हिरण वगैरह देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा तितलियाँ हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारा मौसम है, मानसून सीजन में हम आए हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा तितलियाँ। ये चले गए हम इस एरिया के अंदर, और ऐसे देखिए डबल डबल इन्होंने केज लगा रखे हैं। पहला शाकाहारी जोन है, हर्बीवोर जोन है, फिर ओमनिवोर जोन है, और ये दो जोन के कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग कार्निवोर जोन में चलेंगे। मांसाहारी में शुरुआत तेंदुआ से करेंगे, फिर बाघ के जोन में चलेंगे, और आखिरी में शेर के जोन में चलेंगे। पांचों जोन में जब चलेंगे ना तो मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है ना उसको ऑफ करके रखिएगा, बाकी आप फोटो भी ले सकते हैं वीडियो भी ले सकते हैं, उसको बंद कर रखिए। और अंदर कहीं भी जानवर दिखे ना तो हम गाड़ी खुद ही रोक देंगे, लेकिन फिर भी लगे यहाँ गाड़ी रुकना चाहिए था, अब बताइएगा तो हम वहाँ भी शुरू कर देंगे। कह रहे हैं जो सिंह वाले हिरण हैं वो सांबर डीर हैं, और अभी दिखने वाले हैं सामने। तो ये एक गाइड होते हैं सामने जो बहुत अच्छी गाइडेंस हमको देंगे, हर जानवर के बारे में बहुत ही अच्छे से बताएंगे। स्पॉटेड डीर, हाँ इनको चीतल, इनको चीतल डीर भी बोलते हैं। इनके लिए देखिए आप पानी का भी इतनी बड़ी वाटर बॉडी सी बना रखी है, यहीं से पानी वगैरह पीते हैं, तो एकदम नेचुरल इनका जो एरिया है वो बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। जो हम हर्बीवोरस एरिया के बाहर जा रहे हैं, अब हम दूसरी एरिया के अंदर जाते हैं, देखते हैं कौन सी एरिया वो। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना थोड़ा सा सफारी हमारा टफ होते चलेगा, क्योंकि हिरण का जो नेचर होता है ना, हिरण थोड़ा झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं और दिन के टाइम पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो दिखना आसान होता है। पर आगे भालू हो गए या जो बड़े बिल्ली होते हैं ना, उनका नेचर छिपके रहने का होता है, और एक कहते हैं वो नॉक्टर्नल नेचर होता है, मतलब ज़्यादा रात में एक्टिव होते हैं या दिन के टाइम पर, उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब होता है क्या ना कि यहाँ जो गेटमैन बैठे होते हैं ना, इनका दो काम होता है, एक तो गेट को ऑपरेट करते हैं, साथ ही साथ फेस में जगह जगह कैमरे लगा दिए गए, तो कैमरे में कहीं इनको जानकर दिख जाए ना तो ये हमें बता दिया करते हैं। तो आगे अगर हमारे पास लोकेशन होगा इनके द्वारा तो हम गाड़ी वहाँ पर लेके चलेंगे, पर यदि हमारे पास लोकेशन नहीं हुआ ना तो ध्यान आपको भी देना होगा। तो डियर सफारी के बाद हम करने वाले हैं बियर सफारी, अब हमें भालू देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ सामने भालू हैं, अलग अलग टाइप के भालू। सबसे पहले वाला भालू है यहाँ पे स्लॉथ बियर, ये वाला पिंजरे के अंदर है, एक भालू बाहर भी है, ये वाला स्लॉथ बियर है। ये देखिए कितना पास हूँ भालू के मैं, बहुत पास है भालू मेरे। बहुत पीर है वाला। एक वाला भालू ये है और दूसरा भालू ये वाला है, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा। इनके बाल देखिए कितने लंबे बाल हैं। पंजे देखिए कितने बड़े पंजे इनके। और ये सारा जो राजगीर का एरिया, सारा पहाड़ी एरिया देख सकते हैं। और राजगीर में घूमने की और भी कई जगह हैं जो आप घूम सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो आप नेचर सफारी का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्काई वॉक भी देखने को मिलेगा ग्लास ब्रिज वाला, और उसके अलावा कई मंदिर दर्शन कर सकते हैं, रोप वे भी है यहाँ पे, सांचे स्तूप भी है, काफ़ी कुछ है। तो इसी के साथ बियर सफारी जो थी वो एंड हो गई है, अब आगे देखते हैं आगे कौन सी सफारी है। और तेंदुआ का जोन जो है ना वो थोड़ा सा टफेस्ट जोन है सर हमारे सफारी को। हुआ क्या है कि सुबह में जो बस खुला था ना वो 9 के आसपास खुला था पहला टाइम, तो एक दो तीन बस को सुबह में देखा जाती है, उसके बाद से दिखना बंद हो गया। तो अभी भी लोकेशन उसका नहीं है, तो जब उस जोन में चलेंगे तो गाड़ी एकदम आराम से चलाएंगे। आप ध्यान थोड़ा सा पेड़ के ऊपर देते चलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लेपर्ड होते हैं ना वो पेड़ों पर चढ़े होते हैं या छिपके रहना उनको ज़्यादा पसंद आता है। चीता में और इनमें बड़ा डिफरेंस ये है ना कि चीता जो होता है वो हंट करते हैं, दौड़ के शिकार करते हैं, और लेपर्ड जो होता है ना इनको बुलाता है साइलेंट किलर की तरफ बुलाता है, छिपके ही शिकार करना पसंद करते हैं। तो उस जोन में चलेंगे तो हमारे पास 9 लेपर्ड हैं, जिसमें से 6 को हम लोग जंगल में छोड़े हुए हैं, और 3 लेपर्ड जो है ना उनको अंदर रखे हुए हैं। कारण क्या है, जैसे अभी भालू आप अंदर देखे थे वैसे भी 3 उनको अंदर रखे हैं। एक फीमेल लेपर्ड थी हाल में, 2 कब्स को जन्म दी, उसको हम लोग डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसी रास्ते में लेपर्ड नहीं दिखेगा, आगे 200-300 मीटर बढ़ेंगे तब जाके लेपर्ड जोन में प्रवेश करेंगे। ये रास्ता मेनली इसलिए होता है ताकि जब भी जंगल का अगर पेट्रोलिंग करना होता ना तो इसी रास्ते से हम लोग क्या करते हैं पैदल। तो
आगे 200-300 चलेंगे तो हम लोग लेपर्ड जोन में ये देखिए यहाँ लिखा है हाथी के लिए ना एरिया बड़ा चाहिए। हाथी के बारे में बोला जाता है उसका डाइजेशन प्रोसेस जो होता है ना बड़ा स्लो होता है और वो जब तक अगर हाथी के लिए एरिया ज़्यादा बड़ा चाहिए होता तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं लेपर्ड सफारी के एरिया में। पर टाइगर और लेपर्ड के नीचे एक ही तरह होता है, ये छिपके हंट करने वाले एनिमल होते हैं। टाइगर को दिखना इसमें आसान इसलिए होता है क्योंकि टाइगर को पानी थोड़ा पसंद आता है तो गर्मी के टाइम पर वो पानी के आसपास बैठना पसंद करते हैं, तो टाइगर दिख सकता है पर लेपर्ड बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो भैया ने कहा ना कि लेपर्ड ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था, सब है लेपर्ड हंट में निकल गए हैं, मतलब लेपर्ड ढूंढ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे भी गाड़ी चल रही है। दिख गया लेपर्ड, दिख गया लेपर्ड, ओ दिख गया कहाँ, ये रहा ये रहा ये रहा देखिए ये रहा लेपर्ड, बहुत बढ़िया भाई तुमने ढूंढ निकाला, ये लेपर्ड मिल गया देखिए, ये रहा लेपर्ड सामने, ये देखिए सामने लेपर्ड कैसे सो रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया भाई तुमने ढूंढा, इनाम मिलना चाहिए तुम्हें। ये देखिए ये छाए में सो रहा, एक्चुअली इनके जो मतलब है ना स्किन वगैरह, इनका कलर भी बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। देखिए यहाँ से दिख रहा होगा ये मेरी तरफ देखिए कैसे देख रहा है, बहुत डरावना है। हेलो कौवा नहीं है कौवा थोड़ी ना काय काय करेगा, देख रहा है इधर इधर देख रहा है, अरे कौवा आराम से बैठा है बस काम भर करके। तो एक ही लेपर्ड दिख गया तो बहुत बढ़िया बात है, और दिख जाए तो और अच्छी बात है, फिलहाल तो एक ही दिखा। तो लेपर्ड सफारी के एरिया से हम बाहर जा रहे हैं, अब देखते हैं अगली सफारी कौन सी। तो अब हम जा रहे हैं टाइगर के एरिया में, टाइगर सफारी करना है, चलिए चलते हैं टाइगर सफारी करना अंदर। अब दिखेगा हमें बाघ, बाघ को देखने का ही सबको वेट था। आप टाइगर जो अभी देखेंगे ना एक बाघ ही देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम देवी हमने रखा है, हमारे बिहार में ना एक ही टाइगर रिजर्व है वेस्ट चंपारण में जिसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ ना एक बाघ जो है ना ह्यूमन सेटलमेंट एरिया में चले गए थे और वहाँ पर जाके दो लोगों को मार दी थी और तीन को इंजर्ड कर दी थी, उसी को हम लोग रेस्क्यू करके लाए, थोड़े समय के लिए वो पट्टा जुमे गई फिर हम लोग सफारी में लेके आए, लोकेशन मिल गया है पर जैसा लेपर्ड दिखा था ना ऐसा नहीं दिखेगा, थोड़ा दूर में है आपस में लड़ ना जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए ना, इस कारण से अल्टरनेटिव छोड़ते हैं, आज यदि फीमेल को छोड़े हैं तो अगले दिन मेल को छोड़ते हैं, छोड़ने का मतलब जब ये खाने के लिए अंदर जाएगा ना तब अगले दिन। और अब हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं लॉयन सफारी, ये लास्ट वाली सफारी है और अगर हमको शेर देखने को मिलेगा। तो सामने एक यहाँ पे एवियरी भी है बट वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर जाके पंछी भी अब बहुत जल्द देख पाएंगे।
तो अगर आपने नेचर सफारी या फिर जू सफारी की टिकट लिया तो आप इंटरप्रिटेशन सेंटर और 180 डिग्री 3D थिएटर भी देख सकते हैं। तो ये मैं सबसे पहले जा रहा हूँ इंटरप्रिटेशन सेंटर में, और सारा का सारा ये आप कह सकते हैं एयर कंडीशनड है। ये सारा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राजगीर जू सफारी, और अर्थ कैसे बना था उसका एवोल्यूशन यहाँ पर दिखाया गया, लोग कैसे बने वो दिखाया गया, लाइक नेचर की भी एवोल्यूशन आप कह सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके आगे भी देखते हैं कुछ है शायद, वाह ये देखिए शेर टाइगर चीता लेपर्ड तेंदुआ सब कुछ यहाँ पे है, अलग अलग मॉडल्स हैं, और भालू भी है हिरण भी है, इसी बड़ा जबरदस्त है चल रहा मज़ेदार है यहाँ पे, अलग अलग टाइप के हिरण भी हैं। तो हम जा रहे हैं 180 डिग्री थिएटर में, यहाँ से एंट्री है 180 डिग्री थिएटर की, क्या बात है बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। अच्छा तो मतलब एक जो एवोल्यूशन है उसके बारे में शायद समझ सकते हैं आप, एसी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा तो सारी बैठने की जगह है यहाँ पे, आप शो देख पाएंगे नेचर के ऊपर, यहाँ सामने लिखा था ओशन बायोस्कोप, तो यहाँ पे आके आप सब कुछ देख सकते हैं। मैं सब कुछ नहीं दिखाऊँगा क्योंकि कुछ लाइक हाइप भी देना चाहिए यहाँ का। ये सामने ग्लास का है वो, और सस्पेंशन ब्रिज है, ये 150 रुपये की टिकट में इंक्लूड होगा। ये जिप बाइक इस तरीके की होती है, जिप लाइन इस तरीके की होती है, वॉल क्लाइंबिंग ऐसी होती है, रफल शूटिंग ऐसी होती है, चिल्ड्रन गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन भी आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो हमारी बस ने हमको यहाँ पर छोड़ दी, हमने सारी की सारी आपको जू सफारी दिखा दी है, और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया तो।